दोस्तों, हिंदी टेक ट्यूटोरियल में मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं हूँ राजदीप, और आज हम देखेंगे कि आई फ्रेम्स क्या होती है और आई फ्रेम्स को हम HTML में यूज़ कैसे करते हैं। उसके बाद मैंने लिंक वाली वीडियो में दो ऑप्शंस छोड़ दिए थे, और मैंने ये कहा था कि मैं आई फ्रेम जब आपको पढ़ाऊंगा तब वो मैं चीज़ें आपको बताऊंगा। वो थी एक टारगेट पेरेंट और टारगेट टॉप। तो वो दोनों चीज़ें कैसे यूज़ करते हैं हम, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, हम देखेंगे आई फ्रेम। तो मैं ये लिस्ट वाली वीडियो को, सॉरी, लिस्ट वाली फाइल को कॉपी कर लेता हूँ और इसको नाम दे देता हूँ आई फ्रेम। इसको मैं ओपन विथ विजुअल स्टूडियो कोड कर लेता हूँ और यहाँ पर इसे क्लियर कर देता हूँ। तो दोस्तों, आई फ्रेम हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। आई फ्रेम का जो टैग है वो इस तरीके से एक सिंपल सा टैग है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास लिखना होता है src, ठीक है। src लिखूँगा मैं, इसको सेव करूँगा और यहाँ पर जाकर आई फ्रेम ओपन करूँगा। तो आप देखेंगे कि ये एक बॉक्स जैसा बन जाएगा। अब ये बॉक्स क्यों बना और इस बॉक्स का यूज़ क्या है? तो गाइस, आई फ्रेम हम यूज़ करते हैं कोई भी वेबसाइट को हमारी वेबसाइट या हमारे पेज के अंदर एक सेक्शन की तरह दिखाने के लिए। चलो मैं एग्जाम्पल देके आपको बताता हूँ, ठीक है। src में हम लिखेंगे https://www.wikipedia.org, ठीक है। www. इसको मैं सेव करूँगा, रिफ्रेश करूँगा, तो आप देखेंगे विकीपीडिया वाला जो जो पेज है वो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब मैं पूरी वेबसाइट है वो यहीं से रन कर सकता हूँ, मतलब आपका जो वेब पेज है उसके अंदर ये वेबसाइट पूरी यहाँ पर रन हो जाएगी। लेकिन इसका थोड़ा साइज़ जो है वो छोटा है, तो मैं यहाँ पर एक एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा विड्थ, इसको दे दूँगा 500, और इसकी हाइट भी मैं दे दूँगा इसको, और इसकी हाइट 400 कर दूँगा। इसको सेव करूँगा, रिफ्रेश करूँगा, तो आप देखेंगे कि इसकी विड्थ और हाइट बढ़ गई है। तो इस तरीके से आप आई फ्रेम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, और सिर्फ एक ही आई फ्रेम यूज़ नहीं कर सकते, आप मल्टीपल आई फ्रेम यूज़ कर सकते हैं, है ना। सेव करा तो ये दो फ्रेम यहाँ पर आ गई, और उसके अंदर जो आप यहां पर जो भी URL डालेंगे वो वाली वेबसाइट यहां पर खुल जाएगी। अब यहां पर मैं आपको एक चीज और बता दूं कि यहां पर आप गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम ये वाली कुछ वेबसाइट से जो नहीं डाल सकते, और इसका रीजन ये है कि ये वेबसाइट जो है वो अलाउ नहीं करती है कि इनकी वेबसाइट आई फ्रेम में दिखाई जाए, इस रीजन से। बाकी बहुत सारी वेबसाइट है जिनको आप यहां पर डाल सकते हैं। उसके बाद सिर्फ आई फ्रेम में आप वेबसाइट से नहीं, आपके जो पेज हैं उनको भी आप डाल सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, लिस्ट .html, ये हमने एक पेज बनाया था, इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ रिफ्रेश करूँगा, तो आप देखेंगे ये list.html वाला जो पेज बनाया था हमने वो पेज उठकर आ गया। ये वाला जो हमारा पेज है, देख रहे हैं, ये वाला पेज यहाँ उठकर यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये जो पेज है उसको आप मतलब सेट कर सकते हैं किसी भी फ्रेम के अंदर। अब ये तो हो गया हमारा आई फ्रेम। बाकी हमने दो ऑप्शन छोड़े थे लिंक वाली वीडियो में, एक तो टारगेट पेरेंट और टारगेट टॉप। तो वो कैसे काम करते हैं और उनका क्या रीज़न है जिसको हम यूज़ करते हैं उनको, तो वो हम देख लेते हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे ते 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 दो इनकी फाइल बनानी होगी, उसको कॉपी कर लूँगा मैं आई फ्रेम कॉपी आई फ्रेम टू, और आई फ्रेम थ्री। मुझे ये तीन फाइल चाहिए, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। आई फ्रेम टू और आई फ्रेम थ्री, ठीक है। तो आई फ्रेम तो हमने, अब मैं आई फ्रेम को एडिट करता हूँ ओपन विथ विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है। यहाँ पर मैं सबसे पहले आई फ्रेम में जाकर मैं इसे हेडिंग दे देता हूँ H1 आई फ्रेम, है ना। इसके बाद आई फ्रेम यहाँ पर मैं दे दूंगा आई फ्रेम .html, ठीक है। आई फ्रेम टू में जाकर यहाँ पर मैं दे देता हूँ इसकी हेडिंग आई फ्रेम टू, ठीक है, और यहाँ पर मैं इसकी दे दूँगा आई फ्रेम थ्री .html, है ना। और आई फ्रेम थ्री को मैं ओपन विथ विजुअल स्टूडियो कोड कर लूँगा, यहाँ पर मैं
आई फ्रेम हटा देता हूँ, यहाँ लिख दूंगा सिर्फ एच वन आई फ्रेम 3, ठीक है। इसको मैं सेव करूँगा और हमारा जो आई फ्रेम वाला पेज है उसको मैं रिफ़्रेश कर लूँगा, ठीक है। अब आप देखेंगे कि ये सबसे पहली आई फ्रेम है, मतलब मेन विंडो है। मेन विंडो के अंदर हमने आई फ्रेम 2 बना ली, मतलब एक फ्रेम डाल दी, उसके अंदर हमने एक और आई फ्रेम 3 डाल दी, ठीक है। और आई फ्रेम 3 के अंदर मैं एक लिंक बना देता हूँ, एंकर लिंक। एच आर एफ इसका दे देता हूँ लिस्ट, ठीक है, लिस्ट डॉट एच टी एम एल। और इसको मैं क्लिक दिस लिंक कर देता हूँ, क्लिक दिस लिंक कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि ये एक लिंक बन गया है ना। तो अब ये आई फ्रेम 3 के अंदर मैंने ये लिंक बनाया है। तो अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो क्या होगा, यहाँ पर वो जो मेरा पेज है वो खुल जाएगा, ठीक है। अब हमने दो ऑप्शंस देखे थे, एक तो था टारगेट पेरेंट और एक था टारगेट टॉप। तो वो यहाँ कैसे काम करते हैं वो हम देखेंगे। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले टारगेट लिखना होगा, उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन में मुझे लिखना होगा पेरेंट। इसको मैं सेव कर दूंगा, सेव करने के बाद यहाँ जाऊँगा, रिफ्रेश करूँगा और इसको क्लिक करूँगा। तो आप देखेंगे कि आई फ्रेम के बाद इस वाली विंडो में वो यहाँ खुल गया। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। तो आई फ्रेम तो हमारी विंडो है आई फ्रेम 3, आई फ्रेम 3 के अंदर ये आपका लिंक है। आई फ्रेम 3 का जो पेरेंट है वो आई फ्रेम 2 है, ठीक है। तो जैसे ही मैं क्लिक दिस लिंक करूंगा तो आई फ्रेम 3 का जो पेरेंट आई फ्रेम 2 है, मतलब कि ये वाली विंडो, ये वाली जो आपको दिखाई दे रही है, ये वाली विंडो, इस विंडो के अंदर ये जो लिंक का जो पेज है वो खुल जाएगा, ठीक है। ओके क्लियर। तो इस तरीके से अगर आपको पेरेंट में कोई भी लिंक को खोलना है तो आपको पेरेंट लगाना है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है टॉप। तो टॉप क्या करता है कि इसका पेरेंट, इस वाले का पेरेंट ये है, इसका पेरेंट ये है। तो ऐसे आप 10 एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर एक बना सकते हो। तो अगर आप टॉप डाल दोगे तो टॉप डालते ही आप जैसे ही क्लिक करोगे ना, तो ये जो मास्टर विंडो है, मतलब सबसे बड़ी जो विंडो है, ये जो दिख रही है आपको आई फ्रेम वाली, ये जो मेन विंडो है, ये वाली, ये वाला एरिया, इसके अंदर वो लिंक को ओपन कर देगा। सॉरी, तो ये मैंने क्लिक किया, मैंने रिफ्रेश करना पड़ेगा इस पेज को, ये मैंने क्लिक किया और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये मेन जो विंडो है उसके अंदर वो URL इन्होंने ओपन कर दिया, ठीक है। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि ये क्लियर हुआ होगा आपको कि ये कैसे काम कर रहा है। और अगर आपको समझ में नहीं आया, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे मैसेज करिए, कमेंट करिए और मैं आपको इस चीज़ के बारे में सॉल्व करूंगा। तो बेसिकली एक बार रिकेप कर लेते हैं कि आई फ्रेम को हम यूज़ करते हैं दूसरी वेबसाइट को या दूसरे पेज को हमारी विंडो में दिखाने के लिए। तो सबसे पहले वाले पेज में हमने क्या किया, इस वाले पेज में हमने क्या किया कि आई फ्रेम डॉट एच टी एम एल है, तो ये आई फ्रेम डॉट एच टी एम एल है, इसके अंदर हमने आई फ्रेम लगाया और आई फ्रेम 2 डॉट एच टी एम एल है, इसको यहाँ पर शो किया, ठीक है। तो आई फ्रेम 2 डॉट एच टी एम एल है, उसको शो किया। तो आई फ्रेम 2 के अंदर है, हमने हेडिंग डाली, तो ये हेडिंग हमें यहाँ दिख गई आई फ्रेम 2, ठीक है। उसके बाद हमने इसके आई फ्रेम 2 डॉट एच टी एम एल में एक और आई फ्रेम लगा दी और उसका नाम, उसको लिंक कर दिया आई फ्रेम 3 से। तो आई फ्रेम 3, ठीक है, और आई फ्रेम 3 का हमने यहाँ पर हेडिंग डाल दिया आई फ्रेम 3, और उसको हमने लिंक कर दिया एक लिस्ट वाले पेज से, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये इस तरीके से लिंक हो गया आई फ्रेम, फिर आई फ्रेम के अंदर हमने आई फ्रेम 2 और फिर आई फ्रेम 3, और ये लिंक हमने यहाँ डाल दिया। और आपको समझ में आया होगा कि टॉप और पेरेंट का क्या काम है। पेरेंट का मतलब है कि जैसे यहाँ क्लिक करें तो वो पेरेंट पे चले जाए, और अगर हम यहाँ पर क्लिक करें टॉप पर हो तो इस टॉप विंडो में खुल जाए। तो इसकी जगह ये तो मैंने सिर्फ ये यहाँ पर ये लिया, इसकी बजाय मैं कोई भी वेबसाइट भी ले सकता हूँ। एग्जाम्पल के लिए https www.wikipedia.org, ठीक है, इसको सेव कर दूँ, रिफ्रेश करूँ, और आप अगर ये करेंगे तो आपको ये वेबसाइट खुल जाएगी, ठीक है। और अगर मैं टारगेट हटा दूंगा तो डिफ़ॉल्ट उसी विंडो में वो खुलेगा, ये मैंने टारगेट हटाया और इस विंडो में खुल गया, ठीक है। या मैं इसको पेरेंट कर दूं तो ये इसकी पेरेंट विंडो में खुल जाएगा, ठीक है। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि इससे आपको क्लियर हुआ होगा कि आई फ्रेम को हम कैसे यूज़ करते हैं और सारी चीज़ें हम कैसे काम में लेते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।